गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज की हमारी जो क्लास है वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर है। ये जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स है ये 110% प्रोफेशनल कोर्स है। सिंपल कोर्स नहीं है कि पहले बेसिक होगा फिर एडवांस होगा, नहीं, एक बार में ही ये कंप्लीट कोर्स होगा। और इसके अंदर आपको न्यूमरोलॉजी वास्तु फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया जाएगा, प्लस कांकड़ी भी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाएगी। कांकड़ी का मतलब होता है कोई आदमी दिल्ली में रहता है और बॉम्बे सेटल होना चाहता है तो क्या बॉम्बे जाना उसके लिए फायदेमंद रहेगा या नुकसानदेह रहेगा वो होगा। या मान लीजिए कोई आदमी इंडिया में रहता है वो कहता है कि जी मैं कनाडा में सेट होना चाहता हूँ तो क्या कनाडा में सेट होना उसके लिए लाभकारी रहेगा या नुकसानदेह रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो चीजें एडिशनल बताई जाएंगी आपको क्लास के अंदर। ये काफी बड़ा कोर्स है, कम से कम 14 क्लासेस के अंदर ये कोर्स पूरा होगा। छोटा कोर्स नहीं है, कंप्लीट प्रोफेशनल है। इसके अंदर आपको जो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, आपका ड्राइवर कंडक्टर है, डायगोनल प्लेन्स है, लोसो ग्रिड का पूरा सिस्टम है, कंपेटिबिलिटी है आपका, मेरे पास जो मिसिंग नंबर है उसका क्या इफेक्ट होगा मेरी लाइफ में, जो नंबर है उनके क्या इफेक्ट हो रहे हैं मेरी लाइफ में। ठीक है, इसके अंदर कलर थेरेपी आपको बताई जाएगी, रेजिडेंस नंबर है, कार के नंबर है, ठीक है, मैरिज का मैच मेकिंग कैसे करते हैं वो सिखाया जाएगा, पर्सनल ईयर बताया जाएगा, एजुकेशन किस फील्ड के अंदर बच्चे को जाना है वो बताया जाएगा, प्रोफेशन बताया जाएगा और रेमेडी भी बताई जाएगी। बिना रेमेडी के कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अधूरा होता है। रेमेडी इज कंपलसरी पार्ट फॉर दिस कोर्स। तो इसमें बहुत सारा है, छोटा मोटा कोर्स नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कुछ बातें आज मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। रविशंकर जी, डू यू नो एस्ट्रोलॉजी? आपको ज्योतिष मालूम है? रविशंकर जी पांडा जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। डू यू नो एस्ट्रोलॉजी? एनी ऑफ, उनके पास शायद आवाज नहीं आ रही या कोई सिस्टम है। अब चलते हैं, मान ली, अब हमें ये क्या होता है, ये हमारा लोसो ग्रिड होता है, तीन तीन खाने का सिस्टम होता है। ठीक है, अब जो होता है कि ये नंबर फिक्स होते हैं, इसमें 4 है 9 है 2 है और ये नंबर है 3 है 5 है 7 है, ये नंबर है 8 है 1 है और 6 है। क्लियर है? ये नंबर होते हैं, ठीक है, लोसो ग्रिड के अंदर। ये डायरेक्शन होती है 9 नंबर वाली साउथ की, 1 नंबर वाली होती है नॉर्थ की, ये वाली जो डायरेक्शन होती है वेस्ट की होती है, ये 3 नंबर वाली डायरेक्शन ईस्ट की होती है, और ये बीच वाली डायरेक्शन साउथ वेस्ट होती है, ये वाली डायरेक्शन साउथ ईस्ट होती है, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होती है, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होती है। ये वास्तु का भी होता है, ये लोसो ग्रिड हमारी हो गई। अब इस लोसो ग्रिड के अंदर ये वाली जो हमारी लाइन होती है 492, मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको आराम से समझ आए, 492 वाली जो लाइन है उसको हम मेंटल प्लेन कहते हैं। ठीक है, मेंटल प्लेन कहते हैं। कारण क्या है कि ऐसे लोगों की मैंने देखा है मेमोरी अच्छी होती है, मेमोरी अच्छी के साथ साथ ज्यादातर ये लोग साइंस ग्रेजुएट होते हैं, अगर कॉमर्स में होंगे तो एमबीए लेवल पर जाएंगे या लॉ करेंगे, लॉयर। पहली प्रायोरिटी मैंने दी है साइंस ग्रेजुएट होते हैं, दूसरा मैंने बताया है कि ये एमबीए वगैरह या लॉ के अंदर ये प्रोफेशनल नंबर है बहुत अच्छा, तो ये बहुत बेनिफिट आपको देगा लाइफ के अंदर। ठीक, बहुत जबरदस्त 4-5 चीजें मैं एज ए गिफ्ट दे करके जाऊंगा आपको, आप देखिएगा। दूसरा वाला प्लेन है इमोशनल इमोशंस, ये है आपका 3 5 7, इसको इमोशन कहते हैं। ठीक है, जिनके पास ये नंबर होते हैं 3 हो 5 हो 2 आगे नंबर ज्यादा, जैसे 2 बारी ये आ गया 3 और 5 आ गया या 5 और 7 आ गया, ये लोग धोखा खाके भी हेल्प करते हैं, ऐसे लोग धोखा खाकर भी हेल्प करते हैं, बिकॉज इमोशनल पीपल है ना। और हर नंबर की जो कैपेसिटी होती है डेट इज 33%,
हर नंबर की कैपेसिटी 33% है। अगर यहाँ ये दोनों हो गए तो 66% होगी। इमोशन से ये लोग जो हैं अपनी लाइफ को काफी गड़बड़ कर जाते हैं। अब ये वाला आ गया 816 वाला प्लेन जो है, ये आपका क्या है, इसके अंदर जो है प्रैक्टिकल होते हैं ऐसे लोग, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिकल होते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं जिनका 816 है, किसी भी बात को आप फुल स्टॉप पर मत करिए। बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं, कोर्स वाली चीजें पढ़ा रहा हूं यहां पर। 816 तीनों नंबर अगर आपके पास हैं तो भगवान ने आपको बहुत प्रैक्टिकल, बहुत सुलझा हुआ इंसान बनाया है। कभी भी किसी को जो है फुल स्टॉप नहीं लगाना बात को, डॉट 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 टू बी कंटिन्यू रखना, ठीक है। ऐसे लोग इतने प्रैक्टिकल होते हैं, 25,000 सैलरी मिल रही है भैया, 40,000 वाला काम नहीं करते भैया, अपने को मिली 25 नहीं है तो 40 में क्यों मगजमारी करेंगे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। नाउ कम अप टू दिस प्लेन 438, ये क्या कहलाएगा हमारा, थॉट। थॉट का मतलब होता है सोचना, कि हम क्या सोचते हैं। अब किसी का 438 है तो ऐसा आदमी सोचता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार के बात करता है, और ये अच्छी चीज आज के जमाने में। अब आता है 951, ये वाला है हमारा 951। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो विल पावर होती है, अगर जिनका 951 कंप्लीट रो है, ऐसे लोग हारी हुई बाजी जीतने का वरदान होता है ऐसे लोगों को। 951 अगर ये रो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी है, ठीक है, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी है 951, व्हाट डज इट मीन, आप हारी हुई बाजी जीतने की क्षमता रखते हैं, ऐसे लोगों की विल पावर उन्हें जिता देती है, ठीक है। अब आता है तीसरा जो आता है 276, बड़े ध्यान से समझिएगा 276। अब 276 के अंदर क्या होता है, एक्शन, ठीक है। एक्शन का मतलब होता है पहले आपने सोचा, फिर आपने उसमें इच्छा रखी, फिर उस पर आपने काम किया। मान लीजिए किसी की ये प्लेन नहीं है कंप्लीट, ये प्लेन भी आधा अधूरा है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट है। ऐसे लोग सारी जिंदगी भागते रहते हैं, पता है, पूछो कहां जा रहा है भैया, पता नहीं, भागते रहेंगे। एक्शन है ना, ग्राउंड में फुटबॉल की तरह एक ही मारते रहेंगे, लाइफ की उस फुटबॉल के पीछे भागते रहेंगे, एक्शन है ना। एक सबसे अच्छी बात, लोसो ग्रिड का ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट 5 है, ये बहुत कम लोगों के पास होता है। जिनके पास ये होता है, दे कैन डू एनी काइंड ऑफ अ बिजनेस, एनी काइंड ऑफ अ बिजनेस, ये सेंटर पॉइंट है, उन्हें मिले है वरदान कि आप बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस आप कर सकते हैं, आपको वरदान है। अब थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूं ड्राइवर और कंडक्टर पर, ये क्या चीज होती है ड्राइवर और कंडक्टर। जो डेट होती है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी 23/6/1957 को पैदा हुआ, 57 को पैदा हुआ, तो ये फर्स्ट डेट का जो टोटल होता है डेट इज कॉल्ड ड्राइवर। सभी का टोटल कर लिया हमने, तो मान लीजिए हमारा ये सभी का टोटल करके 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 11 का 2 हो गया, 9 और 1 10, 7 5 12 22 4 हो गया, तो ये टोटल 6 आया, तो कंडक्टर 6 हो गया, 5 और 6। देखिए ये आदमी जिंदगी में 100% सक्सेस हो गया। नंबर 1, ही इज हैविंग कॉन्सिक्यूटिव नंबर साइमल्टेनियसली, 5 के बाद 6 आया, सेंटर इसे मिला, भगवान ने इसे सेंटर नंबर दिया, स्टेबिलिटी दी। 6 मींस वीनस प्रॉस्पेरिटी, किसी की भी कुंडली में, अब ये मरकरी है, बुध ग्रह का स्वामी है, ठीक है साहब, बुध ग्रह का स्वामी है 5 नंबर। उससे क्या होता है कि हमारा मरकरी जो है कुंडली में एफ्लिक्टेड पक्का होगा, या तो ये 6 8 12 भाव में होगा, नंबर 1, नंबर 2, या ये बुध जो है वक्री होगा। बुध क्या होगा, वक्री, वक्री को ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं, या एफ्लिक्शन में होगा, एफ्लिक्शन मतलब पाप प्रभाव में, ये हो ही नहीं सकता, ये 110% कंफर्म है, ये होकर के रहेगा, उसका ये ग्रह खराब मिलेगा आपको कुंडली में,
यहाँ लोशो ग्रेड में बहुत बढ़िया है पर कुंडली में खराब मिलेगा। तो मैं क्या प्रयास करूंगा कि जिनकी कुंडलियां भी है आई कोरिलेट द बर्थ चार्ट विद द लोशो ग्रेड, उनको इतना अच्छा प्रोफेशनल मैं सिखा दूंगा कि इन दोनों को कैसे आप रेक्टिफाई बैलेंसिंग करना है। अब जो बचा, क्या ये तो लोशो ग्रेड में बैलेंस है, फिर इसने तो पूरी लोशो ग्रेड को बैलेंस कर दिया, लेकिन आपकी कुंडली में मर्करी एफ्लिक्टेड होगा, हाउ टू बैलेंस इट। अगर आपने उसको बैलेंस कर लिया तो दोनों जगह आपका 5 बैलेंस हो गया, बैलेंस होने से आपकी लाइफ में तरक्की हो गई। अब इसके बाद एक चीज आती है, हमारा 5 और 6 को जोड़ा तो 11 बना, 11 को जोड़ा 2 बना, दिस इज कॉल्ड हिडन नंबर। हिडन नंबर यानी ये नंबर चंद्रमा का है, ठीक है। अब आप देखिए आपकी पावर चंद्रमा में छुपी हुई है, उसको बाहर निकालिए, उसको यूज करना सीखिए। ये हिडन नंबर है, भगवान ने आपको दिया है, इसमें पावर छुपी है। दूसरी पावर कहाँ छुपी है? कुआ नंबर में। कुआ नंबर में ये हमारा, इसका जो टोटल है सिर्फ ईयर का टोटल हम करते हैं 9 और 1 10 7 5 12 22 4 आया। मेल के लिए 4 नहीं करते, सिर्फ फीमेल के लिए ऐड करेंगे, अगर फीमेल है तो 4 ऐड कर देंगे, मेल है तो 11 में से 4 माइनस कर देंगे, 7 4 11, दिस इज कॉल्ड कुआ नंबर, दिस इज कॉल्ड कुआ नंबर। इसमें भी आपकी शक्तियां छुपी हुई होती हैं। 8 नंबर शनि भगवान का है, 7 नंबर केतु भगवान का है, तो ये शक्तियां जो छुपी हुई हैं उनका हमें सदुपयोग करना है। अब आपको और अच्छी चीज मैं बताता हूं इसके साथ ही, जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, हमको ये बहुत मदद करती है, या मान लीजिए बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड हैं एंड वो जब तक हैं तब तक ठीक है, वो अपना जगह है। मान लो किसी का ड्राइवर 1 नंबर है, यानी 1 नंबर ड्राइवर का मतलब है 1 तारीख को पैदा हो, 10 को पैदा हुआ हो, 19 को पैदा हुआ हो, ठीक है, 1 हो गया, या 26 को पैदा होगा, 26 से तो 8 आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो अगर ये उसका 1 आ रहा है, और कोई व्यक्ति मान लीजिए 4 तारीख को पैदा हुआ है, 22 को पैदा हुआ है, ठीक है, और 4 वो टोटल हमें चाहिए, 22 हो गया, ठीक है, और उसका भी ड्राइवर जो मान लीजिए 4 आया, इसका भी ड्राइवर 4 है, इसका भी 4 है, ये भाई साहब जिंदगी में बिजनेस या बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, पॉजिटिव लाइफ जाएगी, बहुत अच्छी लाइफ गुजरेगी। कोई क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, जबकि ये 4 नंबर राहु महाराज का है और 1 नंबर सूर्य का है। जिनका ड्राइवर 1 नंबर होता है, दे हैव अ वेरी गुड स्किल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है, गॉड गिफ्टेड है, उन्हें एमबीए की जरूरत नहीं है, दे आर विदाउट एमबीए डिग्री हैविंग ए रिफ्लेक्शन ऑफ एमबीए, ये बहुत अच्छा होता है उनके लिए। आगे बढ़ते हैं और अच्छी चीज बताते हैं आपको ड्राइवर के अंदर, और ये ड्राइवर है, मान लीजिए किसी का जो ड्राइवर है वो 4 नंबर है, यानी मान लीजिए वो फिर वही बात आ गई, 4 तारीख को पैदा हुआ है, 12 अपना 13 तारीख को पैदा हुआ है या 22 तारीख को पैदा हुआ, तो टोटल 4 आ गया। अब मान लीजिए कोई 2 तारीख को पैदा हुआ है, कोई 11 तारीख को पैदा हुआ है या 20 है, तो टोटल आ गया 2। भाई साहब ये दोनों सारी जिंदगी एक दूसरे से लड़ते मर जाएंगे, लड़ते मर जाएंगे, ऐसे लोग कभी भी ना बैठे। लेकिन अब इसी चीज को मैं एक और चीज में बदल देता हूं। मान लो मिस्टर ए थे, मिस्टर ए हैं, उनका ड्राइवर है 4 और उनका कंडक्टर है, यानी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 आ गया, 4 आ गया ड्राइवर और 2 आ गया कंडक्टर। सारी जिंदगी ये आदमी प्रोफेशनल स्ट्रगल करेगा, बात खत्म हो गई यहां। देखो न्यूमरोलॉजी आपका आउटर सर्कल बहुत अच्छा रेक्टिफाई कर देता है,
और जो कुंडली होती है वो आपका इंटरनल फैक्टर बहुत अच्छा कर देती है, बशर्ते समन्वय वाली बात होनी चाहिए। आप किसी का जन्म तिथि 4 पे आई और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके क्या आया हमारे पास, लकी नंबर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लकी नंबर, और ये बर्थ डेट होती है। दूसरा नाम भी बता देता हूं, बर्थ डेट होती है, इसको बर्थ डेट कहते हैं 4 को, और इसको लकी नंबर कहते हैं, ठीक है। ये चंद्रमा है और ये राहु महाराज है, अर्थात राहु जमा चंद्रमा इज इक्वल टू ग्रहण, बात खत्म, सिंपल सा है। अब आप कुंडली में चेक करिए, आपका राहु जरूर कुंडली को प्रभावित कर रहा होगा। ऐसे ही मैं बताता हूं, मान लो किसी का ड्राइवर 4 है और कंडक्टर 8 है, हो गया गड़बड़, ये राहु महाराज है, ये शनि भगवान है, हो गया सत्यानाश, वही प्रोफेशनल स्ट्रगल रहेगा सारी जिंदगी। कारण क्या है कि राहु महाराज इज द फास्टेस्ट प्लेनेट, सेकेंडली ये रिवर्स गियर में चलता है, गाड़ी तो तभी चलेगी ना जब टायर एक ही साइड में दोनों चले, एक टायर बोलता है जी मैंने पीछे जाना है और शनि महाराज कह रहे हैं मुझे आगे जाना है, ये राहु महाराज कहते हैं मैंने पीछे जाना है, यहाँ पे भी वही रूल लगता है, राहु कहते हैं मुझे पीछे जाना है और चंद्रमा कहते हैं मुझे आगे जाना है। तो जब एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड का कॉम्बिनेशन बन जाए, कौन सा कॉम्बिनेशन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, तब जो है दिक्कत आ जाती है, गाड़ी नहीं चल पाती। अब एक और अच्छी चीज, इसी चीज को मैं बदल देता हूं, मान लीजिए बेटे का जो है, सन का जो है वो ड्राइवर है, जो पैदा हुआ बेटा 4 तारीख को पैदा हुआ, बर्थ डेट उसकी 4 है, फादर का जो बर्थ डेट है, फादर इज बोर्न ऑन 26, मतलब 8 हो गया उनका। अगर ये एक कमरे में बैठेंगे बाप और बेटा और ऑफिस में एक ही कैबिन में बैठें या दुकान में एक ही काउंटर पर इकट्ठे बैठ जाएं साथ साथ, तो भैया धंधा चलना बंद है, ये बात पक्की मानकर चलो 100%, डाउट वाले पढ़ाता ही नहीं मैं जिसमें डाउट हो, 100% बंद हो जाएगा और इतनी दिक्कतें आ जाएंगी कि पूछो नहीं, ये परेशानियां आती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और अच्छे से और बताते हैं। अब क्या होता है कि हमारे मिसिंग नंबर होते हैं, मान लीजिए किसी का 4 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर राहु का है, भाई साहब ये दिक्कत दे देगा अगर आपने राहु का कोई चीज शरीर पर धारण की, इसका वास्तु द्वारा रेमेडी करना लाभ कर रहेगा। इसकी रेमेडी कौन से फॉर्म में लाभ करेगी, वास्तु रेमेडी ज्यादा लाभ करेगी, और दूसरे क्या होगा, इसका दान पुण्य करेंगे तो लाभ होगा, दान से, एक वास्तु से लाभ होगा, दूसरा दान से लाभ होगा। अगर ये नंबर नहीं है, क्यों मैं इस नंबर पर महत्व दे रहा हूं मैं बताता हूं, 4, 5 और 6, ठीक है, ये है आपका सीक्वेंस जो है 4, 5, 6, ये इसको कहते हैं मनी प्लेन, क्लियर है, मनी वाला है ये आपका रो, ये रो मनी की है, और यहां पर 2 और 8 यानी 2, 5, 8, ये कौन सी हो गया आपका, ये आ गया प्रॉपर्टी, ठीक है साहब। अब मान लीजिए आपका पर्सनल ईयर आपके पास जो है 8 नहीं था, बाई चांस क्या नहीं था, 8 नहीं था, आपका 8 मिसिंग था, आपका पर्सनल ईयर जो है वो आपका 8 निकल आया, हर साल का एक पर्सनल ईयर बनता है, ठीक है, आपका 8 निकल आया, 8 है शनि महाराज का पर्सनल ईयर, स्ट्रगल बहुत देगा, मेहनत बहुत करवाएगा आपसे, हार्डवर्क करवाएगा, हार्डवर्क करवाएंगे शनि महाराज 100 रुपए का, मिलेंगे 10 रुपए, ठीक है, ये 8 नंबर का है। अब मैं इसको कुंडली से कोरिलेट करूंगा, ये 8 नंबर ज्यादा दुख कब देगा, जब आपकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में कहीं पे भी शनि महाराज आ जाए, सैटर्न आ गए। अब क्या हुआ, दशा में भी सैटर्न आए और आपका पर्सनल ईयर भी सैटर्न का चल रहा, बात समझ आया, तो ये होता है। तो इस तरह से
लेकिन एक इसका मैंने पॉजिटिव पॉइंट देखा है। मान लीजिए बंदे के पास 2 और 5 तो था, 8 तो नहीं था, 8 उसका पर्सनल ईयर है, स्ट्रगल तो देगा, मेहनत तो कराएगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी बना देगा, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया, आपका रो कंप्लीट हो गई। कितनी सुंदर बात है, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने का प्रयास करता हूं। इसी तरह मान लीजिए किसी का 4 नंबर नहीं था, ठीक है, 4 नंबर नहीं था और पर्सनल ईयर उसका 4 आ गया, और ये तो राहु महाराज है, राहु का मतलब होता है अप एंड डाउन्स, तो आपको लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे। लेकिन आप देखो ये मेरा फाइनेंस वाला पैसे वाला रो पूरा हो रहा है, अप एंड डाउन्स के साथ भी मैं पैसे अच्छे कमा सकता हूं। अप एंड डाउन्स का इफेक्ट ज्यादा कब आएगा? वो इस तरह से आएगा जब आपके पास 5 नंबर नहीं है, 4 और 6 हैं। अब आपको अप एंड डाउन फेस करने पड़ेंगे। अगर आपके पास 5 और 6 है तो अप एंड डाउन्स के साथ आपका फाइनेंस बहुत अच्छे तरीके से जनरेट हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, लोग सिर्फ वहीं तक देखते हैं। इस तरह से आगे चलते हैं हम लोग। कोई भी नंबर, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर 2 बार तक तो ठीक है। ये होता है मंगल की एनर्जी, मार्स एनर्जी, दिस इज कॉल्ड मार्स एनर्जी, एंड अप टू 2 डिजिट्स इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड। व्हेन 1 more 9 इज बीइंग एडेड इट मींस अनबैलेंस्ड। 3 बार 9 आ गया ना, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड हो गया। इसी तरह कोई भी नंबर 3 बारी रिपीट हो जाएगा तो डेट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड एनर्जी ऑफ डेट प्लेनेट। सिंपल, कहीं कोई दीवान, हमें एक बार में पता लग गया वो अनबैलेंस है, उसको हमें बैलेंस करना है, और बैलेंस किससे करना है हमको? केवल और केवल रेमेडी से। रेमेडी से इस एनर्जी को हम बैलेंस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, और अच्छी बात बताते हैं आपको। वो ये होता है कि हमारे क्या नंबर होते हैं, 11 नंबर, 22 नंबर, 33 नंबर, 55, 66, 99, ये हमारे एंजिल नंबर होते हैं, पर ये नंबर खराब होता है, दिस इज नॉट गुड, इतना बढ़िया नहीं कहलाएगा। 44 वाला तो बहुत ही खराब है, क्योंकि 44 से 8 बनेगा। एक तो ये डबल राहु है, ऊपर से इसने शनि महाराज बना दिए। 11 नंबर, 33 नंबर, 55, 66 और 99, ये एंजिल नंबर है, जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी देते हैं। मान लीजिए, अब मैं इसका एग्जांपल दे के समझाता हूं। मान लीजिए किसी का बेटा जो है 9 तारीख को पैदा हुआ, 18 तारीख को पैदा हुआ, 27 तारीख को पैदा हुआ, उसकी डेट है पैदा होने की, ठीक है। अब उसका ये 9 नंबर बना ड्राइवर, 9 बना। मान लो उनका बच्चा क्रिकेट खेलता है, तो जब क्रिकेट खेलता है स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके, तो 99 वाली जर्सी पहना दो उसे, अच्छा खेलेगा। और ज्यादा अच्छे से कैसे है, मान लो उसका लकी डे कौन सा आएगा, मान लो जिस दिन वो खेला उस दिन ये डेट थी, 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख, बाई चांस वो एज ए डायमंड चमकेगा उस दिन, एज ए डायमंड। और सपोर्ट क्या आई उसके पास, 99, यानी उसने अपने ड्राइवर नंबर को एंजिल नंबर में कन्वर्ट की हुई जर्सी पहन ली, जिससे उसके अंदर निखार आ गया। बात क्लियर, सिंपल सा है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद होता है हमारा क्या है कि आपका, जैसे मेरे खुद के स्पेलिंग है REJEE, मेरा एक्चुअल सरनेम ये है। अब ये नंबर जो है मेरे 8 पर आ रहे हैं, 8 का मतलब होता है शनि महाराज, यानी लाइफ स्लो। क्या स्लो? लाइफ स्लो। और मेरी लोशो ग्रिड में 5 नंबर नहीं है, मैं ओपनली बता रहा हूं, डेमो क्लास में नहीं है भाई, तो नहीं है, बात खत्म होगी ना। तो मैंने अपने स्पेलिंग क्या कर लिए, ये वाले कर लिए। अब मेरा जो नाम के स्पेलिंग है वो इस पर ना आकर के 5 पर आ गए। आई टुक माई नेम स्पेल ऑन 5th, ताकि वो मेरे को स्टेबिलिटी दे लाइफ में,
मुझे स्ट्रगल ना करना पड़े ज्यादा, तो ये जो चीज होती है बहुत अच्छी होती है। हमें अपने नाम के स्पेलिंग भी ठीक करने चाहिए, ठीक है। एक और अच्छी चीज बता देता हूं आपको ग्राफोलॉजी की, वैसे मैं पढ़ाता नहीं हूं। सपोज मैंने साइन करे और यहां पर डॉट लगा दिया, डॉट का मतलब है यू हैव पुट अ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नेवर पुट डॉट आफ्टर यूर सिग्नेचर, डॉट पुट स्टॉप ऑन यूर सिग्नेचर, लास्ट में बिल्कुल नहीं करने, लाइफ रुक जाएगी, स्टेग्निटी आ जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी, देयर इज नो मूवमेंट। खड़ा पानी स्मेल देता है, बदबू दे देता है, गंदा होता है, तो ये आप खड़े हो जाएंगे, ये कभी नहीं लगाना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, हम लोग जो है मोबाइल नंबर पर करेंगे कि कौन सा मोबाइल नंबर मेरे लिए ठीक है। अब मान लीजिए को गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके लिए मोबाइल में 8 होना बहुत जरूरी है। कोई मान लीजिए क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी वाला आदमी है, सॉफ्टवेयर वाला आदमी है या डिजिटल वाला है, तो उसके पास 4 नंबर होना बहुत अच्छा है। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग बनाता है, उसके लिए 8 नंबर होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई ट्रैवल एजेंट है, ट्रैवलिंग का काम करता है, तो उसके पास मोबाइल में 6 नंबर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 6 नंबर वीनस का है। कोई आदमी टूर एंड ट्रैवलिंग पर ज्यादा जाता है, उसका टूर एंड ट्रैवलिंग का ही काम है, उसको सक्सेस चाहिए टूर एंड ट्रैवलिंग वाले को, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, 2 नंबर जरूर हो तो लाभ आएगा उसको। तो ये चीजें आपको अच्छे से सिखाई जाएंगी न्यूमरोलॉजी के अंदर। फिर आते हैं हम लोग हाउस नंबर। अब जैसे 8 नंबर का हाउस नंबर बिल्कुल कंडम माना गया, इसको रेक्टिफाई कैसे करें, मकान है भैया, गाड़ी थोड़ी है जो बेच देंगे, ये शुभ नहीं है नंबर 8 नंबर मकान के लिए। कार का नंबर में भी, अगर आपकी कार का नंबर 4 है, टोटल 8 है, कार का टोटल 4 या 8 है, मेरी कार का टोटल 4 है ना, चलान ही चलान कटते हैं उसके, सीधी बात बता रहा हूं जी, अपने ही दुख बता रहा हूं, मेरी कार का चलान नंबर है, चलान कटता है क्योंकि उसका टोटल ही 4 नंबर है, ये दिक्कत देते हैं नंबर। राहु है, राहु हमेशा आपका बैक गियर डालेगा, लाइफ में आगे नहीं बढ़ाता, बैक गियर डालता रहता वो, तो ये बहुत अच्छे से कराना है आपको। आपको कलर थेरेपी सिखाई जाएगी न्यूमरोलॉजी के अंदर, क्या सिखाया जाएगा, कलर थेरेपी अच्छे से सिखाई जाएगी, ठीक है। कलर थेरेपी सीखने से आपका रेक्टिफिकेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर आपको कलर थेरेपी के बाद बताया जाएगा मैच मेकिंग का। भाई अभी मैंने 1 मिनट के लिए कहा आप कुंडली बाद में मिलाना, मान लीजिए ये बॉय है ये गर्ल है, लड़की पैदा हुई 20 तारीख को, तो इसका ड्राइवर कौन सा बना, 2 बना, लड़का और नहीं बॉय पैदा हुआ, ये बी लिखा मैंने, बॉय पैदा हुआ 20 तारीख को, उसका 2 बना, ठीक है, और लड़की पैदा हो गई मान लीजिए 8 तारीख, गर्ल जो है 8 तारीख को पैदा हुई, 8 को पैदा हुई, 26 को पैदा हुई, ठीक है, तो इसका टोटल 8 आया। भाई साहब ये चंद्रमा ये शनि है, मतलब नहीं उठता, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में भी जब ये थे इनका रिलेशन था, चिक चिक होती रहती थी हल्की फुल्की, लेकिन जब आप फेरे ले लेंगे, एक रिलेशन लीगली बन जाएगा, अब ये नंबर 100% आपको रिजल्ट देंगे, दे विल एक्टिवेट इन द नेगेटिव वे ऑफ, जैसे हम कुंडली में कहते हैं कि प्लेनेट एक्टिवेट हो गया है, तो मैं कुंडली से भी आपको कोरिलेट करूंगा कि जो लोग ज्वाइन करेंगे उनकी कुंडलियां भी साथ में लगा के अच्छे से समझाने का प्रयास मेरा होगा, हाउ टू कोरिलेट न्यूमरोलॉजी विद द एस्ट्रोलॉजी, ये रहेगा मेरा उद्देश्य साथ में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, पर्सनल ईयर बताया जाएगा आपको मैच मेकिंग के अलावा। पर्सनल ईयर क्या है मेरा, ये पूरा लिख देता हूं, पर्सनल ईयर ये हमें एक्टिविटी देखने के लिए, और पर्सनल मंथ बताया जाएगा, इसको आप कह सकते हैं महादशा, इसको कह सकते हैं अंतरदशा कह सकते हैं आप, ठीक है सर। तो ये 2 चीजें होती हैं हमारे पास, और हमारी जो कुंडली के अंदर दशाएं जो चल रही हैं, विल ट्राई आर बेस्ट टू कोरिलेट विद देम टू नो द बेस्ट रिजल्ट्स।
whether we have to face a problem in the life or in the next month, say, or the current month जो चल रहा है उसमें दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीजें दोनों की आपको अच्छे से समझाई जाएंगी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अब बड़े ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कुंडली बना रहा हूं, आपको एक झलक दे ही जाता हूं, मैंने ये कुंडली बनाई, मान लीजिए व्यक्ति सिंह लगन में पैदा हुआ है, कौन से लगन में पैदा हुआ है, लियो असेंडेंट में, द पर्सन इज हैविंग अ लियो असेंडेंट बट अनफॉर्चुनेटली ही इज बॉर्न ऑन 8th, ये शनि महाराज है। अब वो कुंडली लेके गया, सूर्य उसका छठे घर में बैठा हुआ है, अब उसके वो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि सूर्य को जल दे, बट जैसे ही उसने जल दिया ना सूर्य को, उसकी लंका लगनी तय है, मैं तो सॉलिड डायलॉग बोलता हूँ, पक्का लंका लगेगी इसकी, बजाय कैरियर में अपलिफ्टमेंट के वो डाउन होगा, क्योंकि उसका ड्राइवर 8 है भाई, बस ड्राइवर कौन होता है, बस का ही होता है ना ड्राइवर, गलत दिशा में बस ले जाएगा। आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, वो चलेगा, बट यू कैन नॉट गो जल अभिषेक, सिंपल सी बात समझ लीजिए, ये कोरिलेशन सिखाऊंगा, सबकी कुंडली लेकर के ऐसे उनको अच्छे से करना सिखाया जाएगा, सो डेट वो अपना जीवन में सही दिशा के अंदर जा सके, ठीक है। तो कभी भी पैदा तो आपका D1 चार्ट जो लगना कुंडली है वो कह रही है आप लियो असेंडेंट एंटिटी, यानी यू आर बॉर्न विद द एफ्लिक्शन ऑफ सन, ठीक है, लेकिन डेट के अंदर शनि भगवान, ये कॉन्ट्राडिक्टी हो गया, एक दूसरे के शत्रु ग्रह, ठीक है। तो ये चीज है, अब मान लो उसका ड्राइवर 8 है, 8 यानी शनि भगवान है, एस्ट्रोलॉजर ने कहा आपका लग्न का स्वामी कौन है, सूर्य है, छठे घर में बैठा है, आप एक काम करिए माणिक पहन लीजिए, तो न्यूमरोलॉजी में हमें एक नंबर सूर्य का होता है, जैसे ही ये व्यक्ति माणिक पहनेगा कैरियर में अपलिफ्टमेंट की बजाय डाउनफॉल आ जाएगा और हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको मैं क्लास के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करूंगा, किसी को कोई डाउट हो कैन रेज डायरेक्टली अ क्वेश्चन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं क्लास में जो आप सोच के आए हैं उससे ज्यादा पढ़ाया जाएगा, उससे कम नहीं पढ़ाया जाएगा, मेरा एक प्रिंसिपल है। फिर ये क्लास स्टार्ट होगी मंडे को स्टार्ट होगी 7 PM पे, डेली बेसिस पर क्लास होगी, और ये क्लास मंडे टू फ्राइडे चलेगी, फिर आगे मंडे से चलेगी, ठीक है, फ्राइडे, ये 14 क्लासेस का कोर्स है, कम से कम 14 क्लासेस हैं, इसके अंदर वास्तु आपको फ्री मिलेगा, कांकड़ी आपको फ्री मिलेगी, ये दो चीजें गिफ्ट है मेरे तरफ से, ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, पर मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ ये दो चीजें गिफ्ट देता हूँ, फीस इसकी 5711 है, ये 100% जो है प्रोफेशनल कोर्स है, छोटा सा कोर्स नहीं है, काफी बड़ा कोर्स है, बड़ी मेहनत लगती है मेरे को इसको पढ़ाने में, मेरा उद्देश्य पढ़ाने का है, चाहे मेरे पास एक आदमी आए या दो आदमी आए या 20 आए, मेरे को कोई डिफरेंस नहीं है, मेरा उद्देश्य शिक्षा देना है, ना कि ठगी करने का चक्कर है, आइए जी 500 रुपये में ले लीजिए कोर्स, ये कर लीजिए 200 में ले लीजिए, भैया उसके बाद माल ही बेचना है, ये काम अपने से नहीं हो रहा, और जिसको नहीं समझ में आता मैं अगली क्लास में जाता नहीं हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरी कमी है आपकी नहीं, आप तो भाई पैसा भी खर्चे हो, समय भी लगाया है और मेरे पास आए हो, दोनों चीजें होने पर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरी कमी है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकता है, अदरवाइज आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास, If anyone having a query can raise the voice, no problem from my side to give you the answer. Anyhow, have a good day. Good night to all of you. We are going to start tomorrow sharp at 7 PM. Those who are interested, they can enroll themselves for the class. Good night. Have a good day. Thank you, sir. Thank you.